गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ मी रिशा। सो मैं आज आपके साथ ये इजी पीजी एवरीडे मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे हम स्किन केयर भी करेंगे। यहाँ पे मैंने टोनर लगाया हुआ है, मैं कोरोना केयर के ही टोनर्स यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे टोनर्स होते हैं। देन यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल लगाया हुआ है एंड इसको हम अच्छे से लगा लेंगे एंड इसको हम मसाज कर लेंगे। एंड इसको मैंने पर्पल से परचेज़ किया था, वो जो पर्पल का हॉल है वो मैंने अपलोड कर दिया। सो प्लीज़ चेकआउट कर लेना एंड इसको हम अच्छे से अपने नेक में भी अपने फेस पे मसाज कर लेंगे। देन इसके बाद हम सनस्क्रीन लगाएंगे बिकॉज ये डे मेकअप लुक है। सो हम अच्छे से जो अपनी सनस्क्रीन है, आपको अच्छे अमाउंट में सनस्क्रीन लेना चाहिए एंड अच्छे से लगा लेना चाहिए। एंड आपको कहीं भी जाने से 15 मिनट पहले ये अपनी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। यहाँ पे मैं VLCC की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। देन हमारा फेस देखिए पहले ही ग्लोई हो गया है। देन यहाँ पे मैंने ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर लोशन लगाया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है एंड इसका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हमारे फेस पर रहता है। सो आप ज़रूर इसमें इसको ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका मैंने बड़ा वाला पैक भी मंगाया हुआ है, सो वो भी आप देख सकते हैं मेरा पर्पल ऑयल। देन यहाँ पे उसके बाद हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। सो अभी तक हमने सिर्फ स्किन केयर किया है, देन हम अपने आईब्रो को फिलअप कर लेंगे। सो पहले मैं क्रीम प्रोडक्ट्स करती हूँ, देन उसके बाद थोड़ा मैं उसके ऊपर पाउडर प्रोडक्ट्स लगा लेती हूँ, मीन्स आई शेडो या फिर आप कोई भी पोमेड लगा सकते हैं। सो उससे जो आपकी आईब्रोज है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए टिकी रहेंगी सही जगह पे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिप बम लगाई है, क्यूट सी इमोजी वाली। देन यहाँ पे हम शुगर का फाउंडेशन स्टिक लगा रही हूँ मैं एज अ कंसीलर, आप कोई भी कंसीलर लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा कवरेज चाहते हैं, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सो कंसीलर लगाने से आपके जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह है वो हाइड हो जाएंगे, एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा हमारे फेस पे थोड़ा सा हाई लाइटिंग का। यहाँ पे यूजली प्लेसेस पे मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ है, जैसे कि फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, चिन पे एंड अपनी अंडर आइज पे। देन उसको मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है, फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से, एंड इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन ये हमारा जो बेस है या जो हमारा फाउंडेशन है वो फ्लॉलेसली ब्लेंड हो गया है। देन इसको हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है सेट करने के लिए। सो जहाँ जहाँ मैंने लगाया हुआ था वही वही सेट किया है। एंड यहाँ पे मैं सेम पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये मैं काउंटोर कर रही हूँ। सो जहाँ जहाँ पे मुझे काउंटोर या ब्लश करना था यहाँ पे मैंने इसीलिए कॉम्पैक्ट नहीं लगाया हुआ है। सो यहाँ पे मैं जैकलिन हिल के पैलेट पर से ब्लश एंड ब्रॉन्जर लगा ले रही हूँ। सो लाइट ब्लश लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाया हुआ है, लाइट सा ब्लश लगा लिया है। देन मैंने फिंगर की हेल्प से अपनी नोज़ कंटूरिंग भी कर ली है, यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जिंग की है। देन उसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, अपना थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाती हूँ एंड देन साइड्स में लगा लेती हूँ, तो जो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ जाता है। देन यहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट न्यूड पिंक लिपस्टिक लगाई है, ये मास्क की लिपस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है। देन हम अपनी आईलैश को कर्ल कर लेंगे कलर की हेल्प से। देन हम अपने आईलैश को कर्ल करने के बाद मस्कारा लगाएंगे। सो फॉर मस्कारा यहाँ पे मैं मेबलिन का कैलोसियल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मस्कारा है एंड काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी दे देता है एंड ये वाटरप्रूफ है। सो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फुल डे के लिए हमारे आईज़ पे रहेगा। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने सिंपल मेकअप को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लैक्मे का ब्लू आईलाइनर लगाया हुआ है एंड इससे हमारी जो आईज़ है वो थोड़ी ओपन अप भी हो गई है। देन यहाँ पे मैंने मस्कारा फिर से इसलिए लगाया बिकॉज आईलाइनर थोड़ी जो आईलैशेस पे लग गई थी। देन मैंने वेसेस कनाडा की आई टाइम प्रो की लिपस्टिक थोड़ा सा ऊपर से कोट किया है एंड हमारा मेकअप कम्प्लीट है। सो यू आर गुड टू गो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो बाय बाय।